और जब हॉल में एंटर करें तो राज कपूर की फिल्मी सेट की तरह सीढ़ी जानी चाहिए ऊपर। जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की ऑडियो जो है जा चुकी है और किसी कारणवश टेक्निकल इशू की वजह से इस वीडियो की ऑडियो गड़बड़ हो गई थी, तो इस वजह से मुझे ऊपर से डबिंग करना पड़ रहा है दोस्तों। तो ये वीडियो आरके स्टूडियो के बारे में है और ये राज कपूर साहब ने स्टूडियो बनवाया था और इस स्टूडियो के अंदर पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी आग, जो कि फ्लॉप रही और एक हादसा भी आग के रिलेटेड हुआ। एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो आग की चपेट में आके ये सारा स्टूडियो जल गया। उसके बाद ऋषि कपूर साहब ने इस स्टूडियो को गोदरेज वालों को बेच दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ है आर के फिल्म स्टूडियो चेंबूर। तो दोस्तों इस वीडियो को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि राज कपूर के ख़ानदान की शुरुआत इसी छोटे से स्टूडियो के साथ हुई थी और फिर धीरे धीरे ये स्टूडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। राज कपूर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर थी जो कि जल के खाक हो गई थी। सुपरहिट फिल्म एक थी प्रेम रोग, उसके भी बहुत सारे सीन इसी के अंदर फिल्माए गए थे। तो दोस्तों हमें असुविधा के लिए खेद है, जो कि इस वीडियो की ऑडियो जा चुकी है किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो इस वीडियो को ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। मैं समझते हैं जो राज कपूर का ये लोगो है, शायद वो ऊपर वाला मेल है नीचे वाला फीमेल है और ये किसी के यादों में ही बनाया गया है, ऐसा मेरी समझ से। तो देख सकते हैं आर के फिल्म्स स्टूडियो चेंबूर, बस देखने के लिए बस इतना ही बचा हुआ है। और पीछे देख रहे हैं ये बिल्डिंग बन रही है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये देख रहे हो ये गोदरेज वाले इस बिल्डिंग को बना रहे हैं और यहाँ पर तो आग लग गई तो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। हम आपको बता दें यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी राज कपूर जी से जुड़ी हुई, वो सब आग के हवाले हो गई। अब ये शॉर्ट सर्किट की वजह से बताते हैं लोग कि हुआ था जब कोई मूवी मेकिंग का मतलब शूटिंग का काम चल रहा था। और उधर देख रहे हो गोदरेज आर के लिख गया है और यहाँ पे बस इतना ही बचा हुआ है। और अंदर से एक भाई दिखाने की कोशिश करेंगे ये कहाँ पर काम कैसा क्या चल रहा है। लगा देते भाई कैमरा को, देखो दोस्तों काम चल रहा है अंदर कंस्ट्रक्शन का, मतलब देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि हमारा कैमरा उधर नहीं पहुंच पाएगा, ऐसे करके दिखा देते हैं एक बारी। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा स्टूडियो था और अभी पूरा ख़त्म हो गया है, बस इतना ही बचा है देखने के लिए। और सामने ये मेट्रो लाइन का भी काम चल रहा है, यहाँ पे जल्दी मेट्रो चालू हो जाएगी। और इस साइड में ये नज़ारा देख सकते हैं, पूरा बिल्डिंग है चारों तरफ है और यहाँ पे है आर के स्टूडियो। अगर आप आना चाहते हैं सीधे बोलेंगे आर के स्टूडियो, लोकेशन पे भी डाल देंगे तब भी आ जाएगा, आर के स्टूडियो चेंबूर आराम से पहुँच सकते हैं। बस मेट्रो दोनों सवारियों की सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हो ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का बनेगा आर के स्टूडियो जो गोदरेज बनवाएगी वो। इधर इस पर वर्क प्रोसेस चल रहा है देख रहे हैं इस साइड में। और उधर गार्ड वाले भैया नहीं बनाना, मना कर रहे हैं, चलो बंद कर। दोस्तों अभी मैंने दिखाया आर के स्टूडियो और ये भैया रहते हैं चेंबूर में ही मुंबई में, ये हमें कल मिले थे और इनसे हमारे इंस्टाग्राम से बात हुई थी तो भैया ने हमें अपने घर पे आराम कराया, खाना पीना सारी व्यवस्था की, इन्हीं के घर पे रुके थे। तो अभी हम चलेंगे राज कपूर साहब के बंगले पर और बंगले का नज़ारा कैसा रहता है वो भी दिखाएंगे। ये पीछे देख रहे हो तो पीछे मेट्रो का काम चल रहा है और नॉइस भी आ सकती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आर के स्टूडियो से अब सीधे राज कपूर के बंगले में। अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं राज कपूर साहब के बंगलों पर, ये देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है आर के देवनार कॉटेज, तो यही है बंगला पीछे देख रहे हैं, ये है राज कपूर साहब का ये बंगला। और ये बेसिकली ये भी बेच दिया गया है, सारी प्रॉपर्टी लगभग बेच दी। वो पीछे जो आपको स्टूडियो दिखाया वो 300 करोड़ में बेच दिया ऋषि कपूर साहब ने, जो उनके लड़के थे उन्होंने बेच दिया।
और ये बंगला है, इसका नज़ारा दिखाएंगे अभी हम आपको बैक कैमरे से। काफ़ी अभी खूबसूरत बना है, लेकिन अब एक चीज़ है ना कि इनको ये प्रॉपर्टी बेचनी नहीं चाहिए थी, लोग देखने आते जैसे अभी हम भी देखने आ गए। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से इसका दिखता है ये बंगला, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी हमारी समझ से बेच ही दी है क्योंकि ये पुराने बंगले हो गए, ऋषि कपूर साहब भी नहीं रहे, वो भी एक्सपायर हो गए। तो यही है देख सकते हैं दोस्तों, ये है राज कपूर साहब का बंगला और काफ़ी पुराना हो गया, देख रहे हो दोस्तों इस टाइप का दिख रहा है। देख सकते हैं गेट पे लिखा हुआ है देवनार कॉटेज, और इस साइड में है ये बंगला कपूर साहब का, राज कपूर, और यहाँ पे ही उन्होंने अपने मतलब जीवन की शुरुआत की होगी जब स्टार्टिंग में, फिर बंगला बनाया होगा। और आरके स्टूडियो मैंने आपको दिखाया था वो उनका स्टूडियो था, ये है इनका घर, और अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि प्रॉपर्टी अब उनकी वसीयत नहीं रही, क्योंकि उनके जो लड़के थे ऋषि कपूर उन्होंने बेच दी, अब उनके लड़के रणवीर कपूर हैं, अब उन्होंने तो अपना घर वर अलग बनवा लिया है। तो यही है राज कपूर साहब का बंगला दोस्तों, देख सकते हो। ये भी किसी स्टार की हो सकती है बिल्डिंग वगैरह, अब ये तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो ये बंगला है, अभी मैंने भैया से पूछा जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, वो बोल रहे अभी ख़रीदा नहीं है इस बंगले को, इसको ख़रीद लेंगे, गोदरेज वाले ही ख़रीदेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने सुनने को आया होगा तो वो बता रहे हैं। तो बंगला काफ़ी खूबसूरत बना है देख सकते हैं, पूरा अंदर से व्यू अच्छा आ रहा है, क्योंकि अभी राज कपूर साहब तो है नहीं, अभी देख रहे हो अंदर चेयर पड़ी हुई है, और काफ़ी खूबसूरत अभी भी लग रहा है, अभी भी अपनी तरफ मनमोहित कर रहा है भाई बंगला। और मुझे यही कहना है ऋषि कपूर के जो लड़के हैं रणवीर कपूर जिसे, कि इस बंगले को ना बेचें, अपने बाप दादा का जो निशानी है उसको बचा के रखें, क्यों रणवीर कपूर ही तो है उनके ऋषि कपूर के लड़के, हाँ तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बचा के रखनी चाहिए, और इतने पैसे का क्या करेंगे वो। और वैसे ही काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अगर इसको ये दोबारा से सही करा सकते हैं तो और भी अच्छा लगने लगा, इसमें कराना कुछ नहीं है इसका, बस थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग लगेगा, बाद बाकी तो ठीक ही नज़र आ रहा है। राज कपूर साहब को अंतिम दर्शन के लिए इसी बंगले पर रखा गया था और यहीं से उनको ले जाया गया था, यही देख रहे हो राज कपूर साहब का बंगला, देख सकते हैं अंकल जी दिख रहे हैं, इनको बुलाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करेंगे समाप्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो दोस्तों एक चीज़ आपको और बता देते हैं, जो ये बंगला मैंने पीछे दिखाया अंतिम दर्शन, मतलब जब राज कपूर साहब की डेथ हो गई थी तो ऋषि कपूर साहब ने और उनके जो परिवार के लोग थे यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए इसी बंगले पर रखा था, और अभी बंगले की हालत तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतना ज़्यादा खास ख़राब नहीं है। मैं यही गुजारिश करूँगा रणवीर कपूर साहब से कि इस बंगले को ना बेचें, अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी और निशानी को बचा के रखें। तो इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।